गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैथ्स में मैं पढ़ाऊंगी ऐड। ऐड मतलब होता है जोड़। ऐड का आइकन होता है प्लस। कैसा होता है? ऐसा प्लस। इसका मतलब होता है ऐड, जोड़ना। ठीक है, चलिए आप लोग आज देखिएगा क्लास में ऐड कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा मैथ्स, ऐड हो जाएगा, ऐड शॉर्ट फॉर्म हुआ, फुल फॉर्म होता है एडिशन। ठीक है, ऐड लिखी हूँ, फुल फॉर्म होता है इसका एडिशन। ऐड मतलब होता है जोड़, हिंदी में जोड़ बोलते हैं। चलिए आप क्वेश्चन का नंबरिंग मैं पहले से दे दी हूँ, आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आज मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। डेट हम लोगों का क्या है? 10 क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 4, 1 प्लस 6। नेक्स्ट हो जाएगा 2 प्लस 2। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोगों का 4 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 6 नंबर में हो जाएगा 2 प्लस 9। नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस 3। नेक्स्ट है 4 प्लस 5। दूसरा हो जाएगा 1 प्लस 7। ये हम लोगों का 10 क्वेश्चन हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 क्वेश्चन हुआ। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं? चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, क्या करेंगे? पहले 2 लाइन काटेंगे इसके ऊपर, 1, 2। यहाँ कितना है? 3 है, क्या करेंगे? 3 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3। दोनों को ऐड करने के लिए पहले हम दोनों को काउंट करके सब ऐड करेंगे। दोनों को काउंट करेंगे तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5। 5 लिखेंगे, चलिए नेक्स्ट है क्या? 2 प्लस 4, क्या करेंगे? वैसे ही 2 के ऊपर 2 लाइन काट देंगे, 4 के ऊपर 4 लाइन काट देंगे, 1, 2, 3, 4। दोनों को क्या करते हैं? ऐड करने के लिए पहले काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हो जाएगा ऐड करने पे, बॉक्स के अंदर ही दोनों से टच करके लिखना है। फिर 1 के ऊपर 1, 6 के ऊपर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐड करने के लिए काउंट करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ देखिए काउंट करेंगे तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 लिख देंगे। नेक्स्ट है 2 प्लस 2, 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 2, काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 हो जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट है 4 प्लस 1, क्या करेंगे? 4 के ऊपर 4 लाएंगे, 1, 2, 3, 4, 1 के ऊपर 1 लाइन खींचेंगे, काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और जो काउंट करके आता है उसको हम बॉक्स में लिख देते हैं। नेक्स्ट है 2 प्लस 9, 2 के ऊपर 2 लाइन, 9 के ऊपर 9 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, काउंट करेंगे इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 1, 11। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हम लोगों का 3 प्लस 3, तो यहाँ 3 के ऊपर 3 लाइन खींचेंगे, फिर 3 के ऊपर 3 लाइन खींचेंगे, दोनों को काउंट करेंगे और जितना आएगा उसको लिखेंगे,
काउंट करने में क्या आता है, चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 सिक्स लिखिए यहाँ। नेक्स्ट है हम लोगों का 6 प्लस 2, क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 है नेक्स्ट। 6 के ऊपर क्या करेंगे, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 के ऊपर 2 लाइन। अब दोनों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का 4 प्लस 5, 4 के ऊपर 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, 5 के ऊपर 5 लाइन, 1 2 3 4 5, दोनों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या लिखेंगे, 9। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7, तो 1 के ऊपर 1 9, 7 के ऊपर 7 9, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए ऐसे ही आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में समझ समझ के बनाइए, करना कुछ नहीं है। एक बार और आप लोग देख लीजिए कैसे बनाना, 2 प्लस 3 है, 2 के ऊपर 2 लाइन खींचे, 3 के ऊपर 3 लाइन खींचे, दोनों को काउंट किए, जो आया उसको इसमें लिख दिए। नेक्स्ट हम लोगों का 2 प्लस 4, 2 के ऊपर 2 लाइन, 4 के ऊपर 4 लाइन, दोनों को काउंट किए तो 6 आया, तो 6 लिख दिए। 1 के ऊपर 1 लाइन खींचेंगे, 6 के ऊपर 6 लाइन खींचेंगे, दोनों को काउंट करके जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, 2 प्लस 2, क्या किए हैं, 2 के ऊपर 2 लाइन खींचे हैं, फिर 2 के ऊपर 2 लाइन खींचे हैं, ऐड करने पे 4, यहाँ 4 कैसे आया, चलिए यहाँ देखिए, 1 2 3 4 काउंट किए हैं, तब आया हम लोगों का 4। नेक्स्ट क्या है, 4 प्लस 1, तो 4 के ऊपर 4 लाइन खींचे, 1 के ऊपर 1 लाइन खींचे, दोनों को काउंट किए तो कितना आया, 5, 1 2 3 4 5, फाइव है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 प्लस 9, 2 के ऊपर 2 लाइन, 9 के ऊपर 9 लाइन, दोनों को काउंट करने में जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है 3 प्लस 3, 3 के ऊपर 3 लाइन, 3 के ऊपर 3 लाइन, दोनों को ऐड करने पे आया 6, तो 6 हो जाएगा। चलिए बच्चों समझ में आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट है हम लोगों का 6 प्लस 2, 6 के ऊपर 6 लाइन खींची हूँ मैं, 2 के ऊपर 2 लाइन, दोनों को काउंट करके ऐड करने पे आया है 8। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 4 प्लस 5, 4 के ऊपर 4 लाइन, 5 के ऊपर 5 लाइन, दोनों को काउंट कीजिएगा, जो आएगा यहाँ लिखिएगा। नेक्स्ट है 1 प्लस 7, 1 के ऊपर 1 लाइन, 7 के ऊपर 7 लाइन, दोनों को ऐड करने पे 8 हो जाए। चलिए ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ समझ के आप लोग लिखिए। आज सैटरडे है तो ड्राइंग भी करना है आप लोगों को, ड्राइंग में कुछ बना लीजिए। सैटरडे को ड्राइंग होता है ना आप लोगों का, तो चलिए ड्राइंग में कुछ बना लीजिए आप लोग। ड्राइंग में आज मैंगो ही बना लीजिए, सबको आ जाएगा बनाना। मैंगो, मैंगो का मतलब होता है हिंदी में आम।
आम का सीजन है, मैंगो का सीजन है, वही होता है आम। इसको सुंदर सुंदर बनाना है। मैंगो में कौन सा कलर होता है? मैंगो में येलो कलर होता है। इसमें येलो पढ़ेंगे आप लोग, Y E डबल L O W। पत्ते में क्या पढ़िएगा? ग्रीन कलर है। ग्रीन मीन्स होता है हरा, येलो मीन्स क्या होता है? पीला। लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि कौन कलर पसंद भरना है। पत्ते में भरना है ग्रीन कलर, मैंगो में भरना है पूरे बीच में येलो कलर यानी पीला कलर। मैंगो हो गया, ये आप लोगों को ऐड समझ आया अच्छे से? इसको अच्छे से समझ समझ के एक कॉपी में सुंदर से राइटिंग में बनाइएगा, खुद से काउंट कर करके बनाइएगा। बहुत सिंपल है, आ जाएगा। दूसरे में आप लोगों का ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग में मैंगो आज आप लोग कर लीजिएगा, सभी से हो जाएगा। चलिए बच्चों देख लीजिए एक बार। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।